हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का रिवीजन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, खासतौर से इसमें मैं वो डिस्कस करूँगा जो कंसेप्ट पूछे जाते रहते हैं कंप्यूटर्स की दुनिया में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को आप तेजी के साथ इसकी हेल्प से रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है हमारा न्यूक्लियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशंस। तो ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक कई बार रो की वैल्यू पूछता है कि रो आर पे किस तरीका से डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी का जो रिलेशन है रो आर का, वो रिलेशन है रो आर इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन वन प्लस ई की पावर के और आर माइनस सी। इस तरीका से ये रिलेशन पूछ लिया जाता है कि रो की डिपेंडेंसी किस तरीका से आर पर निर्भर करती है। तो इसका कई बार डायग्राम भी बना हुआ कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो ये भी अपना डायग्राम का भी थोड़ा सा एक आइडिया लेकर चले। यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी है और इस तरीका का ये कर्व हमें ऑब्टेन होता है दिस टाइप का। तो इसको थोड़ा सा देख के जाए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है यहाँ पे और ये रो है, तो ये कर्व के बार शेप में पूछ लिया जाता है। रो की डिपेंडेंसी पूछ ली जाती है कि आर पे किस तरीका से डिपेंड करता है। साथ साथ एक जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है जनरल एक्सप्रेशन में, वो मीन स्क्वायर इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, काफ़ी पूछा जाता है इस फॉर्मूले को भी। तो रो एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर की वैल्यू रहती है जीरो से लेकर इन्फिनिटी आर स्क्वायर, और डेंसिटी रो आर साथ साथ आता है यहाँ पे डी वी, डी वी रहता है फोर पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन जीरो से लेकर इन्फिनिटी और रो आर, और डी वी की जगह पर ले लें फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। ये फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आउट होगा, तो ये मीन स्क्वायर इंटरेस्ट पूछता है। कई बार क्या करता है, इस फॉर्मूले के ऊपर रो बता देता है कि रो फंक्शन है आर का, डिपेंडेंसी बता देता है और मीन स्क्वायर इंटरेस्ट कैलकुलेट कराता है। तो इस फॉर्मूले को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक फॉर्मूला जो पूछा जाता है वो वेलोसिटी सेलेक्टर का फॉर्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन देखा जाता है। ई और बी जो है वो देता है और वेलोसिटी पूछता है कि वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे जब जिस समय पे कोई पार्टिकल सीधा डायरेक्ट चला जाता है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर अप्लाई होते हैं, तो पूछता है कि अगर सीधा इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या है। तो वहाँ पर वेलोसिटी सेलेक्टर में फॉर्मूले में लगाएंगे एफ बराबर क्यू ई, और एफ को लिख देंगे क्यू वी क्रॉस बी, और वी और बी परपेंडिकुलर रहते हैं तो ये क्यू वी भी हो जाता है। तो वी की वैल्यू यहाँ पर आती है सिंपली ई अपॉन बी, तो ई और बी देता है, बी पूछता है, तो वी बराबर ई अपॉन बी है। इस एक्सप्रेशन को रिमेंबर रखें, जब भी वेलोसिटी सेलेक्टर पर क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा वी बराबर ई अपॉन बी। तो यहाँ ई और बी जैसे ऑप्टेन होता है वी पूछ लेता है, कई बार ई देता है वी दे देता है बी पूछ लेता है। तो यहाँ से फॉर्मूले पर इन पर क्वेश्चन, तीन जो फॉर्मूले हैं इन पर क्वेश्चन देखे जाते हैं, डायग्राम देखा जाता है। तो ये दोनों बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये तो मैंने कम ही देखा है कंपेरेटिवली, लेकिन इन दोनों पर बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है। तो ये फॉर्मूले ऑलवेज रिवाइज करके जाएँ, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लगातार फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं उन फॉर्मूलों का मैं कोशिश करूँगा इसमें रिवाइज कराने की। तो ये रिविजन श्रृंखला के तौर पर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, खासतौर से जो स्टूडेंट गेट में एक बार जैसे फल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बाकी कंपटीशन से एग्जाम लिख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो भी अपना रिवाइज करके जाए। तो तीन कंसेप्ट मैं यहाँ डिस्कस करता था, चौथा कंसेप्ट है हमारा लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मिरर न्यूक्लियाई का। तो मिरर न्यूक्लियाई में दो तीन बातें और भी इम्पोर्टेंट हैं जो सदा करके जाएँ। पहले पूछता है मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, तो अगर कोई न्यूक्लियाई है और उसके जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक मास नंबर है वो सेम हो, लेकिन एक न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे के न्यूक्लियस के प्रोटॉन के इक्वल हो तो मिरर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो कई बार तो क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है कि आप बताएं कि इनमें से चार चार पेयर बना के दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा मिरर न्यूक्लियाई पेयर नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं कंपटीशन की दुनिया में। तो ये मैं दो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, ये हमारे मिरर न्यूक्लियाई के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर 1s3 और 2he3 लिथियम 3 7 और बेरियम 4 7 में देखें तो इसके अंदर जेड की वैल्यू 1 है और
जो प्रोटॉनों की वैल्यू है, और अगर इसमें प्रोटॉन की वैल्यू निकालेंगे तो 3 - 2a न्यूट्रॉन की वैल्यू होगी और z की वैल्यू 2 होगी, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 3 - 2 जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन की वैल्यू 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें एक का प्रोटॉन की वैल्यू दूसरे के न्यूट्रॉन की वैल्यू के इक्वल होती है वो मेरा न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि ए सेम रहता है। तो ये हमारे मेरे न्यूक्लियाई के एग्जाम्पल्स हैं। मेरे न्यूक्लियाई में एक दूसरा एक्सप्रेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है ईसी, उसकी वैल्यू रहती है 3/5 जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4π ε0 आर। ये फॉर्मूला रहता है न्यूक्लियस की जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसका, और जो डेल ई सी हम कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले को भी रिमेंबर रखें, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और डेल ई सी ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार मैंने कंपटीशन की दुनिया में इस फॉर्मूले को देखा, इस पर न्यूमेरिकल्स देखे हैं लगातार पूछे जाने वाले, तो इसको मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट में मैंने इसे प्लेस दिया है 1/4π ε0 3/5 ई स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन इसको सॉल्व कर लें, ये वैल्यू हमारी मिलेगी हमें 1/4π ε0 3/5 और ये वैल्यू आएगी आर, और यहाँ ओके होगा एक्सप्रेशन 2z + -1 ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे लगातार क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो क्या होता है कि ये जो दो न्यूक्लियाई हैं अगर इसका हम जेड ले लें यहाँ पे, तो जो यहाँ जेड इसके अंदर जो जेड की वैल्यू होगी वो जेड प्लस 1 है, इसी तरीका से अगर हम इसको जेड ले लें तो ये जेड प्लस 1 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ले लें इस न्यूक्लियस की और इसकी ले लें और इन दोनों का अंतर हमें लेना है, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जो अंतर है दो न्यूक्लियाइयों की में एक वो है, और आर जो है रेडियस है न्यूक्लियाई की। तो यहाँ से क्या होता है कि डेंसिटी कई बार देता है आर देता है जेड पूछ लेता है, कई बार क्या है क्वेश्चन के अंदर जेड और डेंसिटी देगा हमसे आर पूछेगा, या आर ई सी देगा जेड पूछेगा, या जेड और आर दोनों देगा डी ई सी पूछेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है रेगुलर, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मेरा न्यूक्लियाई में सदा रिवाइज करके जाए कि मेरा न्यूक्लियाई है क्या, तो मेरा न्यूक्लियाई ए सेम हो, और एक न्यूक्लियाई का जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है दूसरे न्यूक्लियाई की जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो आपस में सेम रहती हैं, ए सेम होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होती है न्यूक्लियाई की, अगर उसकी रेडियस आर है तो उसका फॉर्मूला याद रखें 1/4π ε0 3/5 z² / r होता है, और दो न्यूक्लियाइयों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफरेंस है उसका एक्सप्रेशन से इसकी हेल्प से हम लेते हैं। तो ये इस फॉर्मूले से अगर हमें डेली सी और जेड ज्ञात है तो आर ज्ञात कर लेते हैं, आर और जेड ज्ञात है तो डेली सी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज लगातार पूछा जाता है, और इससे फायदा ये होता है इस मिरर न्यूक्लियाई की स्थिति से कि हम रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें फायदा क्या होगा कि अगर जेड और डेली सी हमें ऑप्टेन हो जाएगा तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो रेडियस ऑप्टेन होती है वो न्यूक्लियाई की जो रेडियस है उसी ऑर्डर की आती है 10^-15 मीटर या 10^-14 मीटर। तो ये मैंने 4 नंबर पर रखा है मेरे न्यूक्लियाई के डिस्कशन को, काफ़ी महत्वपूर्ण है लगातार पूछा जाता रहता है। तो ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैं कहूँगा कि इन्हें पेपर से पहले जरूर रिवाइज करते जाएँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है। साथ साथ कुछ मेरी पुरानी वीडियो हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो अप्लाई में डाली हुई हैं, उन्हें देख लें। एक हॉट टॉपिक्स सीरीज में मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ वीडियो दी हैं, उन्हें जरूर देख लें। उसमें मैं एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो सेल मॉडल का, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, तो आप जरूर देखें उस वीडियो को सेल मॉडल। एक मैंने वीडियो जो है बहुत ही हॉट टॉपिक्स रहता है हमारा ऑगर इफेक्ट, उस पर वीडियो दे रखी है, उसको जरूर देखें, उसको वहीं पर देख लें, क्योंकि मैं वो ऑगर इफेक्ट और सेल मॉडल को पूरा डिटेल यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो इसमें मैं केवल वही कोशिश करूंगा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं और सीधे सीधे एक्सप्रेशंस जिन पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक जो क्वेश्चंस मैं देखता हूं इस पर क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है, डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस की, ये सिंपल क्वेश्चंस है और लगातार हॉट टॉपिक बना रहता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो सदा याद रखें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर की होती है, कई बार तो ऑलरेडी पूछ लेता है, तो रो जो होता है वो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जैसे कि हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से हम इसे ऑब्टेन करते हैं,
मास को हम निकाल सकते हैं एक एटॉमिक मास नंबर, और एक न्यूक्लियाई का मास होता है 1.66 × 10⁻²⁷ अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू ले लें 4a3πr³, और r को r³ की जगह पे लिख दें r₀ a⁻³, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है इसका, सिंपली r बराबर 4a3πr³ मैंने यूज किया है, और r जो होता है हमारा होता है r₀ a⁻³, उसको यहाँ अप्लाई करें और यहाँ से जो एक्सप्रेशन है वो क्यूब आ जाएगा, और 4a3πr³ यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हो गया, इसको सॉल्व करें तो ऐसे यहाँ से एक कैंसिल आउट होगा। आर नोट की वैल्यू को 1.2 फर्मी ले लें, वैल्यू फर्मी की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻¹⁵ मीटर होती है, तो यहाँ रो की जो वैल्यू है, रो जो कैलकुलेट होगा उसका ऑर्डर होगा 10⁻¹⁷ kg/m³। इसको ऑलवेज रिमेंबर रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है, नेट में सीधा सीधा भी पूछा जा चुका है और बाकी कंपटीशंस की दुनिया में भी लगातार पूछा जाता है। तो रो जो होता है वो 10⁻¹⁷ kg/m³ होता है, मींस अगर हम किसी न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है उसको सारे को ऑब्टेन कर लें और उसे 1 m³ के एक क्यूब में फिल करें तो उसका मास 10⁻¹⁷ kg होगा, जिससे पता चलता है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, मैंने कहा है कि लगातार क्वेश्चन आया है, नेट में भी आया है। एक जो इसमें याद रखें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो पर सीसी होते हैं उनकी वैल्यू को भी याद करते जाएं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पर सीसी, इसकी जो वैल्यू होती है वो डेंसिटी अपॉन मास के इक्वल होती है, डेंसिटी अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियॉन, ये एक्सप्रेशन होगा, और मास ऑफ न्यूक्लियॉन की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू को पुट कर दें तो ये 10⁻¹⁷ का ऑर्डर है, और यहाँ जो ये 10⁻²⁷ का ऑर्डर है ये वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 10⁻⁴। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 m³ के अंदर हम न्यूक्लियॉन जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियनों को फिल करें तो 10⁻⁴ न्यूक्लियन फिल होंगे। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल पूछा जा सकता है कि अगर हम 1 m³ के अंदर न्यूक्लियनों को फिल करें, मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को, तो उसमें कितने न्यूक्लियन फिल होंगे अगर वो कंप्लीटली डेंस उसमें स्टेट में रख दिया जाए, तो आंसर उसका होगा 10⁻¹⁴, विच इज वेरी ह्यूज क्वांटिटी, है ना। तो ये भी याद रखें, तो दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रो की वैल्यू, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लगातार बोल रहा हूँ, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर सी सी की वैल्यू, पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू। तो ये हमारे दो कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, डेंसिटी का और 1 m³ के अंदर जो है न्यूक्लियनों की वैल्यू है वो 10⁻¹⁴ है। तो दो कंसेप्ट जो डायरेक्ट हैं पूछे जाने लायक वो मैंने हम डिस्कस किए, तो इन्हें निश्चित तौर से पढ़ के जाए। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं कहूँगा, मैं ऑलरेडी जिन पर वीडियो दे चुका हूँ, आप इस कंसेप्ट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मेरी वीडियो देखें, बाइंडिंग एनर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, इसमें क्वेश्चंस निश्चित तौर से आता रहता है। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला खास तौर से पढ़ें, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूलाओं की सारी टर्मों को पढ़ें, उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत सारे करके जाएं, और अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस मैं इस पर अप्लाई दूं तो मैं बना के आपको दे दूंगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी की, सारी टर्मों को कर लें, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म और पेयरिंग एनर्जी टर्म, एसिमेट्रिकल एनर्जी टर्म, वेलोसिटी एनर्जी टर्म, सब टर्मों को कर लें, उसमें जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को कर लें, और खास तौर से वहाँ उस पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्ट स्टेबल आइसोटोप का क्वेश्चन आता है, तो डी डी अपॉन डी जेड को जीरो करते हैं, जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कर उसको जेड के रेस्ट पर डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दें, वहाँ से जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। लगातार क्वेश्चन आया है, अगर आप पीछे नेट का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगातार जो क्वेश्चन है, अगर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है तो यही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, यहाँ से बेसिक फंडामेंटल से जो क्वेश्चन है वो इसी पर पूछा जा रहा है, कम से कम 3 या 4 बार पीछे अगर आप 5 से 10 साल का पेपर से आप डिस्कस करेंगे तो आपको 5-6 बार क्वेश्चन इस पर मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी हॉट टॉपिक है, जो मैंने हॉट लिस्ट सीरीज जारी की थी उसमें भी उसको स्थान दिया है। उसके अलावा जो फोटोन की पैरिटी है उसे सदा याद रखें, फोटोन जो होता है उसकी जो पैरिटी है वो ड्यूरल होती है, और फोटोन दोनों तरीका की पैरिटी दिखाता है, अगर ई पैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ई पैरिटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पैरिटी, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं -1 की पावर है
और अगर एम पैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक पैरिटी तो होती है माइनस माइनस वन की पावर है। तो ये दोनों फॉर्मूले और वे याद रखें, साथ साथ पैरिटियों में याद रखें कि जो प्रोटोन न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो और म्यूओन है उनकी इवन पैरिटी होती है। तो इवन पैरिटी के जो पार्टिकल्स हैं इनको सदा पढ़ जाएँ, ये भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इवन पैरिटी जो होती है वो हमारे जो पार्टिकल्स हैं प्रोटोन न्यूट्रॉन प्रोटोन, ये मेंशन अपने पास लोकसों में भी कवर कर लें इन चीज़ों को जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, प्रोटोन न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यूओन, ये पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी पैरिटी जो होती है वो इवन होती है। और ऑड का मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, फोटोन जो दोनों वैल्यू रख सकता है ऑड और इवन पैरिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पैरिटी कैलकुलेट करने के, मैंने बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं। फर्मीडाक और बोसान स्किन स्टैटिक्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आइसोस्पिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सदा रिमेंबर रखे जाए, आइसोस्पिन जो कैलकुलेट होती है उसका थर्ड कंपोनेंट वो हम T3 को कैलकुलेट करते हैं हाफ जेड माइनस एन से। जेड जहाँ पर वैल्यू है प्रोटोन की वैल्यू और एन है न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है पैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए सदा याद रखें। साथ साथ ये याद रखें कि जो ए जिनका एक एटॉमिक मास नंबर ऑड होता है वो हमारा फर्मी डार्क स्टैटिक्स को भी करते हैं, और ए जो है जिनके अंदर इवन होता है वो आइंस्टीन स्टैटिक्स को भी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस कंसेप्ट पर भी, तो जिनका ए ऑड होता है वो फर्मी डार्क को, जिनका ए इवन होता है वो आइंस्टीन स्टैटिक्स को भी करते हैं। तो इन कंसेप्ट को देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे के सारे। जैसा पूछेगा कि फोटोन की जो पैरिटी है वो कैसी होती है, तो आप बताएंगे कि उसकी पैरिटी जो है वो ऑड और इवन दोनों हो सकती हैं। अगर हम पैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और जो ऑड एम पैरिटी कैलकुलेट करते हैं उनके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। एन जो है वो स्टेट्स होती है, जो एस स्टेट है उसके लिए एल की वैल्यू जीरो, और जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसी तरीका से लेते हैं। पी के लिए एल की वैल्यू वन, तो हम सब जानते हैं इस चीज़ को, इसको सदा रिवाइज करके जाएं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहते हैं, जिन कंसेप्टों पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस बार क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है हमारा पोटेंशियल वैल्यू का। तो मैं इसकी फिजिक्स फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। पहले कुछ इसमें ऐसे भी कंसेप्ट हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं और फिर दोबारा भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टूडेंट के लिए वो रिवीजन के तौर पे, वो लोग उसे रिवीजन के तौर पर लें जो पहले जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो उसे फिर से समझें। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछा जा रहा है, मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिस पर क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं। तो मेरी कोशिश रहती है खासतौर से उन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस रखने की जहाँ से क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। अभी मैंने एक सीरीज डिस्कस की थी जिसमें मैंने 50 हॉट टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो लगातार पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में जहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्टूडेंट जनरली ये सोचता है कि सर पता नहीं चलता है सिलेबस बहुत वाइड है, खासतौर से नया स्टूडेंट, और वो ये सोचता है कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो दी है, मुझे उम्मीद है तो उससे लाभ मिलता होगा स्टूडेंटों को। और बाकी ये रिविजन के तौर पर दे रहा हूँ, पहले जो चीज़ें हैं उन्हें पूरा रिवाइज कर लें। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये हमारा प्रोटॉन के लिए जो है वी पोटेंशियल और आर के लिए कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखें कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है वो दोनों ऐसा नहीं है कि वो ऑलवेज रिपेल करेंगे, अगर डिस्टेंस उनके बीच की कम हो जाएगी फर्मी के ऑर्डर की होगी तो उनमें पाई मेसोर एक्सचेंज होगा और अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होगा। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जब आर की वैल्यू आर नॉट मीन्स न्यूक्लियर रेंज में है तो पोटेंशियल अट्रैक्टिव हो गया, और जब आर नॉट से ज़्यादा हो गई तो ये हमारा रिवर्सिव पोटेंशियल जो काम करेगा, जो पोटेंशियल होता है वो काम करेगा, क्योंकि प्रोटॉन दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो उनमें रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण जो है पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल है, और आर जैसे जैसे बढ़ेगा क्योंकि पोटेंशियल 1/r का फंक्शन है तो यहाँ पर ये 1/r के हिसाब से डिक्रीज करेगा। तो प्रोटॉन ये याद रखें सदा कि ये अट्रैक्टिव होंगे जब पोटेंशियल की वैल्यू और अट्रैक्टिव होगी जब ये हम आर की वैल्यू आर नॉट से कम होगी, न्यूक्लियर रेंज से कम होगी, और ये हमारा रिपल्सिव होगा जब हमारा आर की वैल्यू आर नॉट से ज़्यादा होगी न्यूक्लियर रेंज के बाहर, क्योंकि आप प्रोटॉन के अंदर केवल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो काम करेगा। तो ये कर्व भी याद रखें,
उसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए कर्म यह होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि पाई मेसोन एक्सचेंज हो रहा है जब आर की वैल्यू आर नॉट से कम है, और जब उनके बीच में पाई मेसोन एक्सचेंज होगा तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल पैदा होगा। रिपल्सिव है इसलिए नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तो उसके चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अप्लाई नहीं होगी। तो इन दोनों कंसेप्टों को ऑलवेज तैयार करके जाए। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, लगातार ऐसे क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो कुछ कंसेप्ट ऐसे भी आएंगे जो मैं वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उन्हें रिवीजन के तौर पर लें। कुछ जो नया मिलता है उसे अपने नुकसान में बदल करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कुछ जो कंसेप्ट हैं वो इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ तो उन कंसेप्टों को निश्चित तौर से डिस्कस कर दूँ, क्योंकि उससे फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट्स को। और मेन पर्पज जो यहाँ मैं डिस्कशन दे रहा हूँ वो यही है कि स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले जो भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं उनका। तो ये हमारे जनरल प्रॉपर्टी से मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था। याद रखें जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो रेडियो एक्टिविटी के हैं उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिन पर क्वेश्चंस आ चुके हैं और जिन पर आते रहते हैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा। तो रेडियो एक्टिविटी की तीन यूनिट होती हैं, बैकवर्ड होती है एक यूनिट होती है रदरफोर्ड, और एक होती है इसकी यूनिट क्यूरी। तो तीन यूनिटों को मैंने लगातार देखा है कंपटीशन की दुनिया में यहाँ से क्वेश्चन आता हुआ। तो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो बैकवर्ड बी क्यू से नोट करते हैं रदरफोर्ड और क्यूरी। अगर एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो रहा है तो इसको हम कहते हैं एक बैकवर्ड, सबसे छोटी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की इन तीनों में। रदरफोर्ड जो होता है वो 10^6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, और क्यूरी जो है वो 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। तो ये तीन फॉर्मूले जो है, तीन यूनिट जो है वो याद रखें। तो बैकवर्ड जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद आर फोर रदरफोर्ड, और उसके बाद क्यूरी है। तो ये हमारी तीन यूनिट का ऑर्डर पूछ लेता है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। कंडीशंस में मैंने देखा एक बार क्यूरी अपॉन रदरफोर्ड की रेंज को पूछ रखी थी कि अगर क्यूरी अपॉन वन रदरफोर्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो वो वैल्यू क्या होगी। तो क्यूरी की वैल्यू यहाँ से रख दें 3.7 × 10^10 / 10^6 आंसर हो जाएगा। अगर रिवर्स में पूछता है रदर जो इसके अंदर रदरफोर्ड अपॉन क्यूरी, तो इसको जस्ट रिवर्स में करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है इस फॉर्मूले से। उसके अलावा जो रेडियो एक्टिविटी है उसका एक्सप्रेशन होता है -dN/dt, एक्टिविटी से हम बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू एन होता है। और यहाँ पर तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, n = n log e^(−λT) जो इसका कर्व है एन और टी का, वो हम सब जानते हैं कि इस तरीका का एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग आता है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट रहता है 0.693/λ, जहाँ डीके कॉन्स्टेंट है या हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और टी मीन जो होती है वो होती है हमारी 1/λ। और एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो दे चुका हूँ, उसे मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। एक वीडियो मैंने डिस्कस की थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि तीन अगर न्यूक्लियाई हैं N1, N2 और N3, इसके अंदर N1 जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके हो जाते हैं इसके अंदर, सेकेंड ये ABC हैं तीन, और ए जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई, बी डॉटर न्यूक्लियाई और ए ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियाई है। N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, N3 की, और इसके अंदर दो तरीका के सिकुलर इक्विलिब्रियम और ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, उसे पढ़ लें, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसे मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि जो वीडियो जहाँ पर मैंने दिए हैं उन्हें मैं कोशिश करूँगा कि आप उन वीडियो को वहाँ से देख लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि जो महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप उन्हें जरूर करें। मैंने अभी बताया था कि एक सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला की वीडियो जरूर देखें, उसके अलावा ऑगर इफेक्ट की वीडियो जरूर देखें, उसके साथ साथ ऑगर इफेक्ट और इसके साथ साथ सेल मॉडल पर वीडियो है उसे जरूर देखें। एलिमेंट का पार्टिकल्स पर मैंने वीडियो दी हैं उन्हें जरूर निश्चित तौर से देखें, तो इनसे आपको फायदा मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से मिलते रहते हैं। एक क्वेश्चन जो देखा है मैंने, काफ़ी हॉक बना हुआ है ये भी, पीछे 2-3 साल से क्वेश्चन इस पर देखे गए हैं, वो है हमारा रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। तो रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग को अच्छे से पढ़ के जाए, यहाँ से क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग से, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसकी डिस्कस कर रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें इस वीडियो में मैं कहूँगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कि अगर हमारा
जो पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल्स ए है और इसे ये रेडियोएक्टिव है जो न्यूक्लियाई है इसका, क्योंकि पार्टिकल्स जो है यहाँ पे जिसका सर न्यूक्लियस का चलता है, तो यहाँ पे जो ए है वो हमारा बी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो अल्फा पार्टिकल का डिके हो रहा है उसका डिसइंटीग्रेशन लैम्डा अल्फा, बीटा में जो डिके हो रहा है वो लैम्डा बीटा। तो यहाँ पे जो नंबर dn अपॉन dt की जो वैल्यू होती है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी वैल्यू रहती है लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा और t, ये जो एक्सप्रेशन है n यहाँ आएगा और यहाँ जो वैल्यू है इसे हम लिख देंगे माइनस लैम्डा n। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो हम देख रहे हैं लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा होगी और लैम्डा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन t और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन t अल्फा प्लस 1 अपॉन t बीटा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है और यहाँ याद रखें कि लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा बीटा इस पर क्वेश्चन था, ये जो कहलाती है उसको हम बोल रहे होते हैं ब्रांचिंग रेशो। इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार मैं देख रहा हूँ, पीछे दो तीन बार क्वेश्चन इस पर मिलते हैं और इस कंसेप्ट पर पूछा गया है। तो ब्रांचिंग याद रखें, मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था, ए से बी में जा रहा है, पार्टिकल्स जो डिके हो रहा है वो अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल डिके हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट अल्फा के लिए लैम्डा अल्फा है, बीटा पार्टिकल के लिए डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा बीटा है। तो dn अपॉन dt जो नंबर ऑफ एटम्स डिके कर रहे हैं उनका dn अपॉन dt जो होगा नंबर ऑफ एटम डिकेइंग पर यूनिट टाइम उसकी वैल्यू होगी माइनस लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा और n टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल, इसकी जगह पर लैम्डा लिख दें और लैम्डा को लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा लें, जो लैम्डा है वो इन दोनों का सम होगा, जो नेट इसका हमारा डिके कॉन्स्टेंट होगा। तो लैम्डा जो होता है वो प्रोपोर्शनल चलता है 1 अपॉन t के, जो लैम्डा का एक्सप्रेशन है क्योंकि टी मीन का फॉर्मूला भी 1 अपॉन लैम्डा के प्रोपोर्शनल चलता है और टी हाफ का भी प्रोपोर्शनल चलता है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये हमारे जो फॉर्मूले में अभी डिस्कस कर रहा था और लैम्डा अल्फा और लैम्डा बीटा को हम ब्रांचिंग रेशो कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को निश्चित तौर से रिवाइज करते जाए, इस पर बेस जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व करते जाए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखा जा रहा है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो में मैंने छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किया था पहले, आप देख लें उसकी वीडियो भी, उस पर मैंने कुछ अप्लाई क्वेश्चन करा दिए थे इसके ऊपर और वो भी डिस्कस कराया था जो नेट में क्वेश्चन आया है उसे देख लें। ये मैं क्योंकि छोटा ब्रीफ में रखना चाहूँगा इसके कंसेप्टों को क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो अदरवाइज ये हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक रोमचन जो होता है वो 83.6 अर्ब पर ग्राम ऑफ एयर होता है, तो रोमचन जो होती है यूनिट होती है, जो हमारा डोजीमीटर है उसकी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ से जो सिंपल चीज़ें याद कर लें, रेडियो एक्टिविटी में जो क्वेश्चन देखा जाता है थोरियम सीरीज और ये जो सीरीज हैं यूरेनियम एक्टिनियम और नेपच्यूनियम, इन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ तो उसे देख लेना, उसके अंदर मैंने बता रखा है पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3 इस तरीका की और 4n सीरीज है उसे कैसे तय करते हैं, तो वहाँ से देख लें, उससे आपको लाभ मिलेगा निश्चित तौर से। ये जो बुक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं लगातार इस बुक से, तो ये बुक जो है लगातार मैं रिकमेंड करता रहा हूँ, तहल साहब की बुक है, इसी तहल साहब पहले जो NRC कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं वहाँ पे HOD भी रहे, उनके सौजन्य से ये बुक में आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो लगातार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते रहते हैं, ऑगर इफेक्ट पर मैं नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूँ। उसके अलावा ये दो चीज़ें ये भी जरूर देख जाए, क्वांटम इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट और ये तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पर दो तीन क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं जिन पर मैं कहूँगा क्वेश्चंस आ सकता है, अभी आया नहीं लेकिन मेरा आगे प्रोजेक्शन है कि इन पर क्वेश्चंस मिलेगा आगे डिपेंडेंसी के तौर पर। तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी ऑन जेड और एनर्जी पर डिपेंडेंसी पूछता है, तो डिपेंडेंसी ऑन जेड पर कैसे डिपेंड करता है इनका अटेंडेशन प्रोसेस, तो ये जेड पर निर्भर करता है, ये जेड की पावर 4.5 पर निर्भर करता है और ये हमारा पेयर प्रोजेक्शन जेड स्क्वायर पर डिपेंड करता है और एक डिपेंडेंसी इसमें एनर्जी की करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन आएगा फर्दर निश्चित तौर से, तो इसलिए ये मैंने डिस्कस किया है। एनर्जी पर जो डिपेंडेंसी है वो 1 अपॉन ई निर्भर करती है इसके अंदर
और इसमें जो डिपेंडेंसी है वो लॉग ई पर करती है, और ये कंडीशनल डिपेंडेंसी कहती है इसके अंदर, कंडीशनल डिपेंडेंसी। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो जेड है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कैसे निर्भर करती है।